तमाम लिविंग ऑर्गेनिज जब भी हम लाइफ का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसे हमारे जहन में एक चीज़ आएगी कि दे आर मेडअप ऑफ सेल्स जैसे ये सेम से, वैसे ही है जैसे हम किसी भी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हमारे जहन में फन आते हैं कि दैट विल बी मेड अप ऑफ ब्रिक्स तो ये ब्रिक्स से बनी तो इसी तरह से जो ह्यूमन ह्यूमन या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज हैं उनको जो बनाने वाले जो यूनिट्स हैं जो उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दे आर दैल्स जैसे सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेल्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेल कैन ग्रो जो सेल होता है वो जब एक सेल प्रोड्यूस होता है उसके बाद अपने साइज़ में इजाफा करता है तो सेल में साइज में इजाफे कम क्या कहेंगे सेल इज ग्रोइंग दूसरे इस तरह से सेल्स कैन डिवाइड सेल्स विद बहुत सारे सेल्स हैं जो क्या करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डिवाइड करते हैं कुछ सेल्स हैं जब एक दफ़ा उनकी फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर सेल डिवीजन वो दोबारा डिवाइड नहीं करते हैं बट मोस्ट ऑफ द सेल्स दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड सेल बायो मालिक्यूल्स सेल के अंदर की एक कंप्लीट मशीनरी मौजूद है जिसमें सेल्स अपने लिए प्रोटीन्स लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स को सेंथिसाइज कर सकता है तो सेल्स का अगर हम ओवरऑल रोल देखें तो सेल्स दे वर्क एज स्ट्रक्चरल यूनिट दे आल्सो वर्क एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिक टाइप्स ऑफ सेल ब्रॉडली अगर हम देखें तो सेल्स की दो बेसिक टाइप्स हैं अगर इन डिटेल देखें तो वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट जैसे अगर आप मैं सिंपल आपको काउंट करूँ हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास टी लिम्फोसाइड्स बी लिम्फोसाइड्स हैं इस एपीथिलियल सेल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो आ जाते हैं तो इन डिटेल सेल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें वी कैन कैटेगराइज दैम इंटू टू मेजर ग्रुप्स दे आर द प्रोक्रियाटिक सेल्स एंड द यूक्रियाटिक सेल्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल दे आर थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल्स द फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस आउटर बाउंड्री ऑफ सेल जो है इट इज द सेल मैम्ब्रेन उसके बाद सेल के जो सेंटर में हमारे पास इट इज द न्यूक्लियस जबकि सेल मैम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म अच्छा यहाँ ये अगर हम देखें दीज आर द बेसिक कम्पोनेंट्स ये यू क्रियोटिक सेल के हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स अगर प्रो क्रियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा या खाली जो हो डी एन ए मौजूद होगा ये बेसिक कंपोनेंट्स है अब सेल्स के अंदर इनके अलावा बहुत सारे और कंपोनेंट्स आ जाएंगे ठीक है जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे फ्लैजेला सीलिया आ जाएंगे जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेलीज आ जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर भी जैसे न्यूक्लियोलस आ जाएगा क्रोमेटन मटेरियल आ जाएगा ये दीज थ्री आर दी बेसिक कंपोनेंट्स और इसके अलावा जो है बहुत सारे बाकी कंपोनेंट्स आ जाएंगे फंक्शंस ऑफ सेल सेल हमारी बॉडी के अंदर इट इज परफॉर्मिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ सेल की तमाम जो लाइफ जो की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर ड्यू टू द सेल्स तो अगर हम इसको सिंपली इसको क्लासीफाई करना चाहें या कैटेगराइज करना चाहें तो नंबर वन सबसे पहली जो सेल्स की प्रॉपर्टी है या उसका फंक्शन है दैट इज़ द इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ये तमाम बॉडीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेक करता है उनको बनाता है इसके अलावा डिफरेंट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है चाहे सेल सक्रीशनस हैं सेल कंट्रेक्शन है एब्जॉर्बन है या फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन में जो है सिंपल एग्जाम्पल आपको दूँ जो ऑक्सीजन लंग्स से जो है वो ट्रांसफर होती है पूरे बॉडी को ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर परफार्मिंग डिफरेंट जॉब्स नंबर ऑफ सेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स हो सकते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद है दे आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल सबसे जो हमारे पास एक है जैसे हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है बैक्टीरिया आर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स इस एनिमल्स की कैटेगरी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोटोजोआ हैं प्रोटोजोआ हमारे पास अमीबा पैरामिशियम और इससे बाकी सिलियट्स हैं प्लाज्मोडियम जो है दीज आर दी दूनिसलोर ऑर्गेनिजम्स तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है विच आर हैविंग ऑनली वन सेल बट मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स दे आर हैविंग मोर देन वन सेल्स इवन जैसे ह्यूमन में देखें ह्यूमन के अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं जब मैं नाइन्थ में था मैंने पढ़ा था कि सिक्सटी ट्रिलियन सेल्स हैं लेकिन अब मैंने जो रिसेंट रिसर्च है वो कहती है कि इट तो अबाउट थर्टी सेवन ट्रिलियन एक एवरेज ह्यूमन साइज है जो यानी एक आम कद का जो इंसान है उसके अंदर तकरीबन जो है वो सिक्सटी ट्रिलियन सेल्स जो है वो मौजूद हैं अच्छा ह्यूमन के अंदर सिक्सटी ट्रिलियंस हैं अगर आप इसके मुकाबले कोई बड़ा एनिमल ले लेते हैं जैसे एलीफेंट जो है वो तो एलीफेंट तो ह्यूमन से हंड्रेड टाइम्स है ठीक है अब जो रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि ह्यूमन के अंदर थर्टी सेवन ट्रिलियंस हैं तो एक एलिफेंट के अंदर कितने होंगे थर्टी सेवन ट्रिलियन को आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें जिस तरह से हमारे पास यानी इससे भी ज़्यादा कहीं ज्यादा जो जा सेल्स आ जाएंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स जो आ जाएंगे कुछ मल्टी सेलर ऑर्गेजम विच आर हैविंग वेरी फ्यू सेल्स जो सिंपल यूक्रियोर्स हैं दे आर हैविंग इवन दे मे बी अप टू वन हंड्रेड सेल्स इन देयर बॉडी